फिरदौस आपा आपसे 1.5 साल बड़ी हैं या 1.5 साल छोटी हैं? मेरे से तो सभी छोटे हैं, मगर मैं इसके बावजूद अपने आप को सबसे छोटा समझती हूँ। तो ये जो आपके इतने खूबसूरत बाल हैं, थोड़े से इनका राज क्या? आपसे बड़े बाल तो मेरे हैं। थोड़े से तो जी, वाकई अब बहुत थोड़े रह गए हैं। मेरे बाल काफी लंबे हुआ करते थे, पर ये जो मैनेज करने बहुत मुश्किल होते थे, तो मैंने करीबन अरसा ही हो गया अब तो। आप इस बार रिजर्व सीट के ऊपर MLA थी, अगली बार क्या ख्वाहिश रखती हैं कि इलेक्शन लड़ के आएंगी? पूरी मेरी जी ख्वाहिश है कि मैं अगली बार इलेक्शन लड़ के आऊँ। ये बारिशें आपकी वजह से ही तो नहीं आती। अल्लाह रहम करे। आपने बड़ी हो के क्या बनना? मजीद मुझे बड़े होना है। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूँ आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा, और आज जिन मेहमान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सबसे खूबसूरत MNAs हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, और आज भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत MNA से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। रुखसाना नवीद उनका नाम है, वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए क्लाइमेट चेंज है। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रांझा साहब, खूबसूरती का आपने कैसे जिक्र कर दिया। मैं तो ऐसा अपने आप को इस तरह से उस कैटेगरी में नहीं लेके आती। आपकी बड़ी जरा नवाजी है कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू जी। खूबसूरती का मैंने इसलिए कहा कि लोग जो आपको देखते होंगे वो तो कहते होंगे कि आपकी काफी एज है, जबकि मेरे नजदीक तो आपकी एज शायद 18 ईयर्स। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपने आप को 18 इयर्स का ही समझती हूँ, क्योंकि जो मैं काम करती हूँ उस हवाले से मेरे अपने जो मेरी एज के तो बहुत कम लोग हैं। मेरे से जो जवान हैं वो भी मुझे देख के मोटिवेट होते हैं कि अगर आप ये कुछ कर सकती हैं तो हम में भी ये जज्बा आता है कि हम भी ये कुछ कर सकें। फिरदौस आपा आपसे 1.5 साल बड़ी हैं या 1.5 साल छोटी हैं? मेरे से तो सभी छोटे हैं, मगर मैं इसके बावजूद अपने आप को सबसे छोटा समझती हूँ। ये जो आपके इतने खूबसूरत बाल हैं, थोड़े से इनका राज क्या? आपसे बड़े बाल तो मेरे हैं। थोड़े से तो जी, वाकई अब बहुत थोड़े रह गए हैं। मेरे बाल काफी लंबे हुआ करते थे, पर ये क्यों मैनेज करने बहुत मुश्किल होते थे, तो मैंने करीबन अरसा ही हो गया अब तो। करीबन मैं कोई 30-35 की थी जब से मैंने अपना ये कट इतना कर लिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैनेजेबल है। अगर आपके बचपन की बात की जाए तो बचपन में आप शरारती थी या उस टाइम भी शौक था कि एक दिन मैंने कुछ ना कुछ बनना है? बनना क्या चाहती थी आप? मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी, मगर मेरे जो वालिदैन थे, मेरी वालदा थी, वो कहती थी तुम्हें लड़का होना चाहिए था, तो और मेरी दादी कहती थी तुम्हें जज होना चाहिए। तो ख्वाहिशात तो बहुत थी, मगर खुद मैं जो चाहती थी वो मैं फाइटर पायलट बनना चाह रही थी। तो अल्लाह ने बस बहुत से आगे सिलसिले चलाए, कहीं से कहीं पहुंच गए, और यहाँ तो सोचा भी नहीं था कि हम पार्टी के लिए इतनी जद्दोजहद के बाद, मुझे तो यही ख्वाहिश थी कि पार्टी एक बार हुकूमत में आ जाए, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना। मैंने बच्चों से भी यही कहा हुआ था कि मैंने उसके बाद कुछ नहीं करना, मैंने रिलैक्स करना है। मेरी यही एक ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह से अपनी इस पार्टी को, जो इतनी खूबसूरत तहरीक है, इसको मैं कहीं अंजाम तक पहुंचा दूं, उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं करना। मेरे मौकल मुझे बता रहे हैं कि 2008-2009 में आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आईं और अभी तक उनके साथ हैं। बाकी पार्टीज आपको ऑफर करती हैं कि आप हमारे पास हैं? नहीं, मेरा ख्याल किसी में कोई इतनी हिम्मत या जुर्रत ही नहीं है जिस जज्बे से मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुझे कुछ ऑफर दे सके। आप इस बार रिजर्व सीट के ऊपर MNA थी, अगली बार क्या ख्वाहिश रखती हैं कि इलेक्शन लड़ के आएंगी? पूरी मेरी जी ख्वाहिश है कि मैं अगली बार इलेक्शन लड़ के आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। खुदा करे कि ये पूरी हो जाए, और हल्के में भी बहुत लोग मुझे इस ख्वाहिश का इजहार वो भी कर चुके हैं, और अल्लाह करे कि टिकट मिल जाए और मैं लड़ूँ। अगर आपको टिकट मिल जाए तो क्या चांसेस है जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जीतूंगी। और अगर आपके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून से मैं आ गया, फिर कोई भी आ जाए आप हरा लेंगे? मैं ऐसा हराऊंगी, मैं मतलब मेरे में इतना वो जोश, जज्बा और काम करने की कैपेबिलिटी है, तो इंशाल्लाह मैं, कोई भी सामने आ जाए आप हरा लेंगी। ये बताएं कि मेकअप का, शॉपिंग का, इन चीज़ों का शौक रखती हैं आप? बहुत कम, मगर कपड़े बनाने का बहुत शौक था। मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने की हुई है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के साथ कराची में करीबन 15 साल,
तो हम दुनिया में जाते थे एग्जीबिशंस करने के लिए, और मैं करीबन एक महीने में कोई 225 जो जोड़े हैं शादियों के ब्याह के वो बनाया करती थी। शौक़ है बहुत बनाने का, पहनने का कम कम शौक़ है। आप बनना पायलट चाहती थी और फिर आ इधर मौसम की तरफ गई, इसकी क्या वजह? ये भी मेरा शौक था। ये बारिशें आपकी वजह से ही तो नहीं आती? करे बस ये तो कुदरत का निज़ाम है, और हम जो देख रहे हैं इस वक्त बाकी बारिशों की वजह से कितनी दुनिया में तबाहियां आ रही हैं, ये सारा हमारा जो इस वक्त हमने निज़ाम को अपसेट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें इस वक्त बर्दाश्त भी करनी पड़ रही हैं। मगर ये कि आपने पूछा था मुझसे कि पहला सवाल आपका क्या था, भूल गई मैं ये ऐसी बारिशों का आपने जिक्र। चलिए पहले सवाल को छोड़ते हैं, खाने की बात करते। खाने में बताएं आपको क्या पसंद है और क्या पका लेती? मेरा मोकल तो बता रहा है कि आपको बिरयानी बहुत पसंद है। नहीं मोकल, आपका बहुत गलत बात बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल बिरयानी पसंद नहीं है, पुलाव ज़रूर पसंद है, और मैं खाने इस तरह से अच्छे भी बना लेती हूँ, और मैंने बहुत खाने सिखाए भी हैं बच्चियों को बनाने। केटरिंग का भी मैंने काम किया हुआ है, उस हवाले से मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया करती थी, बच्चियाँ जो हमारे नेबरहुड में थी मैंने सबको खाने जो कॉन्टिनेंटल डिशेज़ और चाइनीज़ डिशेज़ उनको मैंने सिखाई हैं, तो बच्चे भी बड़े बड़े शौक रखते हैं। मेरी बहू मेरे से बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो खाना अच्छा होता है हमारे यहाँ। अब जो मेरे मोकिल ने कहा है वो सच्ची बात कही होगी, आपके 4 बच्चे हैं, और मुझे ये बताएं उनमें से कोई आप सियासत में लाना चाहेंगी? और जब वो कभी घर पे होते हैं और आपका कोई कहना ना माने तो आप उन्हें बताती हैं कि जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, डराती हैं? वो मुझे वैसे ही जानते हैं कि मैं कौन हूँ, बचपन से ही मैंने बहुत घर में डिसिप्लिन रखा है। इवन मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे सास ससुर भी कहा करते थे कि बच्चों को कराची भेज दो, जो भी मेरे देवर देवरानियाँ नंद है सबको, बच्चे तंग करते थे जब उन्हें घर में या शोर मचाते थे या कोई डिसिप्लिन नहीं रहता था घर में, तो कहा करते थे सब बच्चे रुखसाना के पास भेज दो कराची, डिसिप्लिन होके आ जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का कि मेरे अपने घर में बहुत डिसिप्लिन है, बच्चे मेरे बहुत बात सुनते भी हैं और इज़्ज़त भी करते हैं, और किसी को मैं नहीं चाहती कि कोई सियासत में आए, क्योंकि ये बहुत डिवोटेड आपको टाइम देना पड़ता है, और वो अपने अपने फील्ड्स में इतने मसरूफ़ हैं कि मैं नहीं चाहती कि अपने फील्ड से वो बाहर आएं। आपके पास बहुत कम वक्त होता है, जब कभी फैमिली के साथ बैठती हैं ठीक है, तो क्या उन्हें बहुत खुशी होती है, या वो ये कहते हैं कि ये अभी ये ना हो कि हमारे साथ बैठी है, अचानक इन्हें कॉल आ जाए, ये कहीं चली जाए, या मुकम्मल आपने कोई डे रखा हुआ जिस वक्त आप फैमिली को टाइम देती? इस तरह से डे मैंने नहीं कोई भी रखा हुआ, जब भी टाइम मुझे मिलता है मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोडक्टिव टाइम दूँ अपने बच्चों को भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त गुजारना, बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, बहुत प्यारे रिश्ते हैं, मगर ये कि वक्त इस वक्त मैं पार्टी को दे रही हूँ कि मुल्क में बहुत ज़रूरत है हमारी इस वक्त काम करने के। प्रोटोकॉल का कितना शौक है आपको, गाड़ियाँ लंबी पसंद हैं या गार्ड साथ हों, किस तरह का प्रोटोकॉल पसंद करती हैं? प्रोटोकॉल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जी, हमारी पार्टी का भी यही एजेंडा है कि इस पे हमने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, और शुक्र है अल्लाह का गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी भी और हर तरह की गाड़ियाँ घरों में देखी हुई हैं, अपने घर में देखी हुई हैं, गाड़ी का कोई ऐसा शौक नहीं है ना प्रोटोकॉल का है। मेरे हलके के लोग कहते भी हैं कि आप कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर रखा करें, हम कोई अरेंजमेंट कर देते हैं, मगर मैं हमेशा उनको भी डांटती हूँ और मना करती हूँ कि ये हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है, मैं इसको बिल्कुल मना कर देती हूँ। मैंने घूमने फिरने का शौक है आपको? घूमने फिरने का बहुत शौक़ जी, अपने हस्बैंड के साथ मैं बहुत घूमी फिरी हूँ, वो शेल पाकिस्तान में थे और बहुत सी उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती थी, कोर्सेज होते थे, उसके अलावा फिर मैंने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के साथ जब काम शुरू किया ड्रेस डिज़ाइनिंग का, तो बहुत दुनिया में घूमी भी हूँ, करीबन 35 मुल्क मैंने गई भी हूँ, ऐसा तो अब इतना शौक़ नहीं है, अब अपने मुल्क में काम करने का शौक़ है ज़्यादा। जब कभी बाहर जाती हैं तो लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं तो आराम से बनवा लेती हैं या कहती हैं बस लेट हो रही है मैं जा रही हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रूर वो अपना शौक़ पूरा करते हैं, जहाँ पे भी चाहते हैं मैं ज़रूर उनके साथ तस्वीर बनाती हूँ, मगर ख़ुद तस्वीरें डालने का शौक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, फेसबुक पे टाइम मिलता है, व्हाट्सएप पे भी बहुत कम टाइम मिलता है,
तो कोशिश है प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखूँ। नहीं, आप जितनी खूबसूरत हैं, आप तो एक तस्वीर सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे लगा दें, उसके ऊपर तो 2-3 मिलियन लाइक्स आ जाएंगे। नहीं, बड़े मेरे चाहने वाले हैं, बहुत मेरे चाहने वाले हैं, ख्याल करते हैं, इधर उधर से सुनती ज़रूर हूँ मैं कि बहुत आपकी तस्वीरें देखी हमने और हमें पता है कि आप बहुत बिजी चल रही हैं। फ़ोन पे जब भी बात होती है तो मेरे अपने बहन भाई कज़न्स वगैरह यही कहते हैं कि पता है हमें कि आप बहुत बिजी हैं, हमने देखा यहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी थी, पूरे पाकिस्तान में आप जिस तरह से घूम रही हैं तो हमें एहसास है कि आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। अगर बिजली के बिल की बात की जाए, हमारी तरफ अगर बिजली का बिल आए तो एक बार हमारी आंखें बाहर आ जाती, इतना बिल। आपके साथ भी ऐसा होता है या आपके लिए 2-2.5 लाख बिल अगर आ भी जाए तो आप कहते कोई मसला नहीं, नॉर्मल? नहीं, देखें, कोशिश हमारी होती है कि बिल आए ना ज़्यादा। मैंने तो अपने बचपन से देखा हुआ है कि हमेशा ही हमारे मुल्क में बिजली की शॉर्टेज होती थी। मेरे पापा हमेशा हमें सब बच्चों को एजुकेट किया करते थे, इवन हमारे घर में तो बेतहाशा मेहमानदारी हुआ करती थी, मगर हर किसी को ये पता था कि जिस कमरे में कोई नहीं बैठा हुआ वहाँ का ना पंखा चलेगा ना लाइट चलेगी, क्योंकि बार बार हमें एहसास दिलाया जाता था कि हमारे मुल्क में इतनी बिजली की कमी है कि कुछ घर ऐसे हैं कि जो वो बल्ब भी नहीं जला सकते, उनका एक घर का बल्ब जलाना पूरा घर रोशन, कमरा रोशन कर देता है, तो तुम लोग एक बंद कर दिया करो कि उनके कमरे का एक बल्ब जल जाए। तो हमें इस चीज़ का हमेशा एहसास दिलाया जाता था। तो मुझे कोई ऐसा, हमारा बिल भी ज़्यादा नहीं आता, मगर ये है कि ठीक है, बिजली महंगी है तो पे तो करनी है ना। बड़े छोटों से पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने बड़ी हो के क्या बनना है? मजीद मुझे बड़े होना है। मुझे बड़े हो के क्या बनना है, ये तो इतना खौफनाक, मैं फिर से पायलट बनना चाहूँगी, फिर से पायलट बनना। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपने आप को अगले 10 साल बाद कहाँ देखती हैं, तो फिर क्या जवाब दें? जरताज गुल साहिबा की सीट के ऊपर। जरताज को जी अल्लाह उसको बहुत अच्छा ओहदा मिला हुआ है, बहुत काम कर रही हैं। मैं जिस जगह बैठी हुई हूँ और मैं उनसे शायद ज़्यादा ही काम कर रही हूँ पूरे मुल्क में, जितना वो यहाँ बैठ के दफ्तरों में उनको करना पड़ता है, और मैं फील्ड में निकली हुई हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो मुझे अपना काम ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह से मज़ीद काम करके और इस मिनिस्ट्री को वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी कि अगर मौसम की बात की जाए तो आप भी मौसम, जरताज गुल भी मौसम, तो एक तरफ गर्मी है एक तरफ सर्दी है, ये क्या चीज़ है? मतलब मैं कैसे मौसम, मैं मुझे कैसे मौसम में डाल दिया आपने? मतलब ये कि ठीक है माहौलियात में ये मौसम तो बहुत नहीं, कभी कभी जलसी होती है कि मैं नीचे हूँ वो ऊपर है, मैं ऊपर आऊँ वो मेरे नीचे हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कभी भी। मेरा मोकल मुझे बता रहा है, आपका मोकल आपको बता रहा होगा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा ना मैं सोच सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अगली बार आप इलेक्शन में हिस्सा लेती और इंशाल्लाह अल्लाह करते आप जीत जाती हैं और खान साहब आपसे पूछते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री लेंगी, तो कौन सी आपको पसंद? मैं दोबारा से इसी मिनिस्ट्री में आना चाहूँगी। मौसम में? मौसम, माहौलियात में। कोई और मिनिस्ट्री आपको नहीं पसंद? नहीं, मिनिस्ट्रियां तो सारी जी, जो भी फिर जिम्मेदारी फिर खान साहब खुद से देखते हैं कि किस को कहाँ पे रखना है, कि वो हमेशा हर चीज़ को क्रिकेट के साथ रिलेट करते हैं, तो उन्हें पता है कि कौन सा फील्डर कहाँ पे खड़ा करना है। जब कभी फारिग होती हैं तो गाने सुनती हैं, गज़लें सुनती हैं या ड्रामे वगैरह देखती हैं? ज़्यादा ख़बरें ही देखती हूँ अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखने के लिए, मगर गज़लें और गाने बहुत पसंद हैं। सारा दिन सुनती? नहीं, बिल्कुल सुन ही नहीं सकती अब तो, एक गाना और एक गज़ल भी सुनना मुश्किल होता है, मगर जब कहीं कोई सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, फिर मसरूफियत की वजह मुझे नहीं समझ आ रही कि मौसम तो बाहर चल रहा है, आप उस मौसम में क्या ऐसी खूबसूरती डालती हैं कि आप सारा दिन बिजी रहती हैं? मैं जी इस वक्त तो मेरे बहुत सी चीज़ें छेड़ी हुई हैं अपनी, अपने हलके के हवाले से भी, पूरे मुल्क के हवाले से भी, कि मैं अपने क्लीन एंड ग्रीन कोऑर्डिनेटर्स पूरे मुल्क में जो बना रही हूँ और वो बन रहे हैं और काम कर रहे हैं इसी हवाले से, कभी पौधे लग रहे हैं तो कभी सफाइयाँ हो रही हैं, तो वो हर वक्त मुझे इंगेज रखते हैं। यानी कि आपको दरख्तों का बहुत शौक है? मुझे दरख्तों का इसलिए शौक हो गया कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत बन गया है, और हम पूरी दुनिया को मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा जाए तो हम पूरी दुनिया को इस वक्त हिफाजत दे रहे हैं,
जिस तरह से हमारा 1% भी हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जो इस वक्त मौसमियात में तब्दीलियां आ रही हैं उसमें दुनिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें मुश्किल हम पे आ गई है इसको कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें। तो उसको अगर हम मैनेज कर गए तो हम पूरी दुनिया को एक तरह से हिफाजत दे रहे हैं। अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम खान साहब से बहुत खुश हैं, पर उनका एक ही गिला है कि महंगाई कब ख़त्म होगी। महंगाई भी जी इंशाल्लाह हम लोग जैसे प्लान कर लिया है हमने, अगले महीने से अक्टूबर के महीने से हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, और जो चार चीज़ें हैं चीनी दाल आटा दालें इस पे उनको सब्सिडी मिलेगी, या तनख्वाह जैसे इंक्रीज़ कर दी जाए या सब्सिडी दे दी जाए। तो सब्सिडी में इनको ये चारों चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे एहसास प्रोग्राम्स का जब ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट शुरू होगा, हर घर में तीन चार प्रोग्राम्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे। हेल्थ कार्ड तो करेगा ही सबको, कि हेल्थ कार्ड पे उनका तो 10 लाख आ गया। इससे हमारे हॉस्पिटल्स आप देखिएगा पूरे मुल्क में कितने अच्छे हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, मज़ीद बन जाएंगे। उन देखेंगे कि हर बंदे के पास एक हेल्थ कार्ड है और उसको सहूलत अगर अच्छी जहाँ पे मिलेगी वो अपनी मर्ज़ी से जाएगा। तो जब मर्ज़ी से वो अच्छे हॉस्पिटल्स की तरफ जाएगा तो जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वो देखेंगे कि हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसके अलावा एहसास के प्रोग्राम्स बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए घर घर मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हर घर में तीन चार चीज़ें ऐसी चली जाएंगी एहसास की कि जिससे इंशाल्लाह हर घर का जो एक माहौल है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। हम चाहते हैं एक यूनिट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकें, जितना खुशहाल कर सकें, उस घर में बच्चों के भी खुशी की आवाज़ आए, मियाँ भी बीवी भी खुशबाश रहें, अपनी ज़िंदगी अच्छी हो, प्लस उनको साफ़ सुथरी आबो हवा हम दें। ताकि हमने जैसे ट्रांसपोर्ट पे भी हमें है कि 45% इफ़ेक्ट करती है ट्रांसपोर्ट इस माहौल में आबो हवा में, तो उस पे भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो हमारी आ गई है 2030 तक इंशाल्लाह वो भी 30%, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम 60% चाहेंगे कि आबो हवा को बेहतर कर दें, तो उस पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मोटर बाइक्स वगैरह, 3-व्हीलर्स हैं, 2-व्हीलर्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सारी बिजली पे चली जाएगी, तो इससे बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। बिजली हमारे पास सरप्लस आ रही है। अगर शादी की बात की जाए तो ऐसा कानून आप कब लाएंगी कि हम नौजवानों की जल्दी शादी हो जाए? कोई ऐसा कानून आप लाना चाह रही हैं? मेरे मुकिल ने मुझे मैसेज कर दिया कि आप लाना चाह रही हैं, वो मौसम के साथ आए मौसम रंगीले सुहाने, नौजवानों की जल्दी शादी हो, ऐसा कानून कब लाएंगी? हमें मुझे तो बहुत ज्यादा जल्दी की। अच्छा, आपकी शादीशुदा नहीं है आप? हम इंतजाम कर देते जी जी, हमारा कर दें या पब्लिक का कर दें? पब्लिक का, आप देखिए हमारे यहाँ पे इतने मसाइल आ रहे हैं कि हमारे बच्चे उस स्टेज पे आ ही नहीं रहे जल्दी कि वो अपना कुछ मतलब अर्न करें, कुछ नौकरियां हों, कोई तनख्वाहें हों, ये माँ बाप पे ही बर्डन आएगा ना। तो ये बड़ा सोचने की बात है कि इतनी जल्दी करके हम खुद अपने गले ही मुसीबत डाल लेंगे। तो नौकरियों का तो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि बाहर की दुनिया से लोग नौकरियां लेने आ रही, यानी कि हम सबको तो मिल गई, अब बाहर वाले रह गए, तो बाहर वाले तो जब आएंगे उनकी शादियाँ करना, हमें जिन्हें मिल गई हमारा तो कुछ करें। जी आपका भी इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा, मगर जल्दी शादी जो है ना ये मैं नहीं रिकमेंड करती कि जल्दी शादियां हो जाए। कम से कम 50-60 साल बात करनी चाहिए। आपकी किस उम्र में शादी हुई? मैं तो जी 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई, ग्रेजुएशन जैसे ही मैंने की है तो मेरी शादी हो गई। आपने तो 21 साल की उम्र में शादी कर ली, उस टाइम आपके हस्बैंड की उम्र क्या थी? हस्बैंड मेरे से 3 साल बड़े थे जी, यानी कि 24 के वो थे, यानी कि अब आपने आप खुद 21 की, वो 24 के, और बाकी जो हम लोग आवाम में हम 30-30, 35-35 के हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप वो कानून लाएंगी कि हमारे भी घर बसेंगे। नहीं, ये तो कानून जो है वालिदैन ने फैसले करने होते हैं, ये कानून नहीं लाया जा सकता। हर फ़र्क होता है, हर फैमिली का अपना तरीक़ाकार होता है, इस पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ये तो अवाम पे छोड़ा हुआ है कि वो जब भी मुनासिब समझे अपने बच्चों की शादियां करें। नहीं, वो जो कानून है कि 18 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, ये किसने कहा? मुझे अभी तो मुझे मोकिल कह रहे हैं, मैं मोकिल की बात का मुझे उसे जवाब नहीं देना आ रहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोकिल ये कह रहा है 18 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए? तो आपका बिल्कुल सही यहाँ तक कह रहा है कि इससे पहले नहीं करनी चाहिए, 18 साल से पहले नहीं करनी चाहिए, 18 साल की उम्र के बाद शादी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है आपका मुकर, और होगा
उसके बाद फिर मर्जी है पेरेंट्स की, और बच्चों की भी वो देखेंगे कि उनकी क्या कैपेसिटी क्या है, वो मैनेज कर सकते हैं, अकल समझ इतनी है। मतलब बच्चों की भी फ़र्क होती है ना अकल समझ, कोई जल्दी समझदार हो जाता है, किसी को बूढ़े होके भी समझ में नहीं आ रहा होता कि चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। मैं ठीक कर रही हूँ। कोई शेर या कोई गाना कुछ तो सुना दें, आप तो मौसम है और मौसम तो फिर गाने सुना देते। मुझे जी सुनने का बहुत शौक है मगर याद नहीं रहते शेर, ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है। मैं तो एक लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये जो चीज़ है इसको हम इम्प्लीमेंट करवा दें, कि हम ये ख्वाहिश रखें कि हम एक शम्मा की तरह से उजाला कर दें अपने मुल्क में किसी तरह से। अगर एक आपके रूम के अंदर दो एक तस्वीर की जगह हो और आपके पास दो तस्वीरें हों तो किसकी लगाएंगी, फिरदौस आपा की या जरदाज गुल की? जरदाज गुल की, जबकि फिरदौस आपा की ज़्यादा खूबसूरत होगी, पूरे फ्रेम में फेस आएगा। इसीलिए तो लगाना नहीं चाह रही। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। A1 TV के तवस्सुल से पूरी कौम को पैगाम दे दो। मेरा पैगाम जी इस वक्त अपने सब आवाम के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, स्कूल के, कॉलेजेस के, कि आप मौसम और माहौल को बेहतर करने के लिए जितनी भी एफ़र्ट कर सकें, दरख्त लगाएं, साफ़ सुथरा माहौल करें अपने गिरदो नवा में, जहाँ पे भी आपको कोई मसाइल आएँ तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको इंगेज ज़रूर करें। हम लोगों ने आदत नहीं डाली इन इदारों को इंगेज करने की, इनको इनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने की, जिसकी वजह से हम यहाँ इस वक्त इस नौबत तक पहुँच गए हैं कि हमारी सफाइयाँ ठीक से नहीं हो रही, दरख्त ठीक से नहीं लग रहा है। इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ये सब अपने अपने इर्द गिर्द गिरदो नवा में ठीक करें। अब बस आखिर में ये बता दें, पुलाव कब बनाएंगे? जब आप कहेंगे। जब मैं कहूँगा जी। ये थी रुखसाना नवीद साहिबा, बहुत मज़ा आया इनके साथ प्रोग्राम करके। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।